of resonance. First of all, what is resonance? हम resonance को समझने की कोशिश करते हैं और resonance को समझने के लिए the best compound is benzene. Generally resonance energy की जब चलती है तो benzene पर ही problem दिया जाता है. Resonance and resonance energy. देखिए, बेंजीन, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज डिस्कवर्ड एंड आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी उपयोगिता भी काफी अच्छी समझ में आने लगी थी. बेंजीन को हम हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं एंड वी यूज इट एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट. जो गुड नाइट ऑल आउट जो आप इस्तेमाल करते हो ना, जो बॉटल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, इन दैट लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज बेंजीन. इनफैक्ट बेंजीन इज अ वेरी गुड रिपेलेंट फॉर मॉस्किटोस. मॉस्किटोस इससे डर के भागते हैं. बेंजीन का एनालिसिस करा गया था और एक्सपेरिमेंट से यह बात समझ में आ चुकी थी कि बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH. मीन्स इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला. इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:1 एंड इट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा इसमें कुछ होता ही नहीं. इट्स अ हाइड्रोकार्बन. इट मीन्स इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है CH होल एंड और CN HN. यह बात भी समझ में आ चुकी थी. बेंजीन के साथ एक्सपेरिमेंट करके यह बात डिटरमाइन हो गई कि इसका मॉलिकुलर वेट होता है 78. यह भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ में आ गया. ये जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिकुलर वेट 78 है. सो एक्सपेरिमेंट, सो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इट वॉज ऑल्सो डिटरमाइन. आफ्टर ऑल दिस डिटर्मिनेशन, 12+1 × n, दैट मस्ट बी इक्वल टू 78. इट इंप्लाइज दैट n मस्ट बी इक्वल टू 6. और यह बात समझ में आ गया कि इट्स एग्जैक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C6H6 फॉर बेंजीन. यह बात भी समझ में आ चुकी थी. अब बार बार सभी के दिमाग में यह बात आ रही थी कि यदि यह मॉलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन का, then what must be the exact structure of benzene? Benzene का exact structure क्या होना चाहिए? Carbon की चार valency होती है. Carbon किसी ना किसी तरह से चार उस पर bond होना चाहिए. छह carbon है, हर एक carbon की चार चार bonding complete करनी है और मात्र छह ही hydrogen है. आखिर इसका क्या स्ट्रक्चर होता होगा? दिस क्वेश्चन वॉज रियली बॉदरिंग लॉट ऑफ साइंटिस्ट, लॉट ऑफ केमिस्ट.
काफी सारे लोगों के दिमाग में यह चिंता थी, उनको समझ में नहीं आ रहा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स स्ट्रक्चर वॉज सजेस्टेड बाय के कोल्स। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कूल्स वॉज ऑलमोस्ट अ कंप्लीटली पैरालाइज्ड पर्सन, उसकी दोनों टांगे पैरालाइज्ड थी, वो एक बेड क्रीपर था, सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ा रहता था और बिस्तर पर ही रहते हुए जो पढ़ाई कर सकता था वैसा करता था। एंड वन नाइट ही ड्रीम्ड ऑफ अ स्नेक, उसने एक रात को सांप का सपना देखा, सांप कुंडली मारे हुए बैठे हुए था और अपने उस सपने से घबराया होगा या इंस्पायर हुआ होगा, बट जैसे ही वह जागा, अपने सपने को रिकॉल करा, उसके दिमाग में यह विचार आया कि माइट बी बेंजीन में कार्बन एक रिंग बनाकर, एक चेन बनाकर, सांप जैसे कुंडली मारकर बैठा रहता है, ऐसे ही बेंजीन में भी कार्बन एक दूसरे के साथ कुंडली मार के बैठे हुए होंगे, एक चेन रिंग बना रहे होंगे। उसने उसी समय इन छह कार्बन की इस तरह की एक रिंग बनाई, हर एक कार्बन को एक कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इस तरह से लगाया, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा दी। दिस वॉज द की कूल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस स्ट्रक्चर में सभी कार्बन के चार वैलेंसी वह भी सेटिस्फाई होती दिख रही है। मॉलिकुलर वेट एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व हुआ वो भी होल्ड कर रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला जो दिख रहा है, सब कुछ इसमें बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। दिस इज इक्वल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देयर वेयर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर। सिंस बेंजीन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स विच सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, बेंजीन ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड। द ऑब्जर्वेशन ऑल्सो सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर। हर तरीके से यह स्ट्रक्चर प्रॉपरली सपोर्टेड था। दिस वॉज की कूल्स स्ट्रक्चर। बट लेटर ऑन फर्दर स्टडीज, ऑन फर्दर एनालिसिस, इट वॉज फाउंड दैट यदि कार्बन का वाकई में एग्जैक्टली इसी तरह से स्ट्रक्चर होता, यदि बेंजीन का वाकई में इसी तरह से स्ट्रक्चर होता, तो इन दोनों कार्बन के बीच में दूरी ज्यादा होती, जबकि इन दोनों कार्बन के बीच में दूरी कम होती। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, मगर कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है। दो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होते हैं, मगर दो कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वाकई में यदि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता तो इन दोनों कार्बन के बीच में दूरी ज्यादा होती और इन दोनों कार्बन के बीच में दूरी कम होती, मगर एक्सपेरिमेंट्स से यह बात समझ में आई
कि बेंजीन में सभी छह कार्बन एक दूसरे के साथ समान दूरी पर होते हैं, और खास बात वो दूरी सिंगल बॉन्ड की दूरी से कम है और डबल बॉन्ड की दूरी से ज्यादा है। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच की दूरी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच की दूरी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी स्ट्रेंथ कम आनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आनी चाहिए, मगर एक्सपेरिमेंट से यह बात समझ में आई कि बेंजीन के सभी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बराबर है, और इन सभी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है और डबल बॉन्ड से कम है। इसका मतलब बेंजीन के अंदर सभी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की प्रॉपर्टीज है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा? दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में हमने क्या समझाया, इस बात को समझिए। जस्ट इमेजिन आप सभी लोग क्लास में बैठे हुए हो, देयर आर रोस, एक टेबल है उसके पीछे दूसरी टेबल, उसके पीछे तीसरी टेबल, हर एक टेबल पर पांच पांच बच्चे बैठे बैठ सकते हैं। जस्ट इमेजिन मैं आप सभी से कहूं कि आप जरा बैठने का तरीका कुछ ऐसा कर लो कि सबसे पहली टेबल पर तो पांच बच्चे बैठ जाओ, फिर दूसरी जो पांच बच्चों की टेबल है उसको खाली रख दो, बिल्कुल खाली, फिर तीसरी वाली टेबल पर पांच और बैठ जाओ, फिर चौथी वाली पूरी खाली कर दो, फिर पांचवी पर पांच बच्चे बैठ जाओ और छठी पूरी खाली कर दो। इस तरीके से मैं क्लास के पूरे जो ज्योमेट्री है उसको यह बना देता हूं कि पहली टेबल पर एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह टेबलों की लाइन लगी हुई है। इधर मैंने कहा आप बैठ जाइए पांच और इसको पूरा खाली रख दीजिए, इधर पांच बैठ जाइए इसको पूरा खाली छोड़ दीजिए, इधर पांच बैठ जाइए इसको पूरा खाली छोड़ दीजिए। मैं ऐसे बैठा देता हूं। अब नाउ जस्ट इमेजिन क्या हो, मैंने क्लास ब्रेक कर दी, आपको फ्री छोड़ दिया, और फ्री छोड़ने के बाद में अगले टीचर क्लास लेने आ गए। जब अगला टीचर क्लास लेने आएगा तो क्या आप वाकई में उसको ऐसे ही बैठे हुए मिलोगे? कभी नहीं, इट्स ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। इस तरीके से मैंने आपको जोर जबरदस्ती के साथ बैठा जरूर दिया, मगर जैसे ही वो मेरा प्रेशर खत्म हुआ, आपको बीच में ब्रेक मिला और दूसरा टीचर आया, उस दौरान आप सभी रीशफल हो जाओगे। इस जगह पर पांच बैठे हुए, इसमें से कोई दो या तीन उठेंगे, इट डिपेंड्स अपनी दोस्ती यारी के अनुसार भाई जिसके साथ में बैठना है, मगर दो या तीन इधर आकर बैठ जाएंगे, कहेंगे ये पूरी इतनी पांच पांच एक बैठे हैं इस पर खाली रहे, इसके बजाय कुछ इधर आ जाए। इस जगह पर भी ऐसा ही होगा, सभी लोग कंफर्टेबली बैठना पसंद करेंगे, इधर भी कुछ इसी तरह का फिनोमेना हो जाएगा। और फ्री छोड़ देने पर क्लास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा।
ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है, ये सिर्फ आप ही नहीं, किसी भी जगह पर यदि बच्चे फ्रीली बैठेंगे, उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह का फिनोमेना होना है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसा ही फिनोमेना इधर हो रहा है। देखिए हुआ क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में चार चार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा, इन दोनों कार्बन के बीच में दो ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वंस अगेन काफी ज्यादा, चार फिर कम फिर चार फिर दो। हम कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक है, कहीं चार्ज काफी ज्यादा कहीं चार्ज कम, फिर काफी ज्यादा फिर कम। इस सिचुएशन में यह इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन छह कार्बन की रिंग के बीच में फ्री है, वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है वो तो मूव नहीं कर सकते, मगर ये जो पाई बॉन्ड से, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है, विच आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो टाइटली बंधे हुए होते हैं, वो कहीं नहीं हिल सकते, वो कहीं नहीं जा सकते, मगर जो डबल बॉन्ड है और जो दूसरा बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड है, उस बॉन्ड से बंधे हुए दो इलेक्ट्रॉन जिनको हम लूजली बॉन्डेड कहते हैं, वह पाए इलेक्ट्रॉन्स इधर के दो इधर के दो इधर के दो, इस तरह से छह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर इस जगह पर बंधे रहने के बजाय वह पूरे कार्बन के बीच में, इन छह कार्बन के बीच में फैल जाते हैं, और वह यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं। इस तरह से एसिमेट्रिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के फैल जाने को ही, इसी फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। हम कहते हैं बेंजीन का, थोड़ा एक और बार अच्छी तरह से बना देता हूं इसको मैं, दिस फिनोमेना वेयर लूजली बाइंडेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज रेजोनेंस, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना सम एनर्जी इज रिलीज्ड, that energy released is resonance energy. इस फिनोमेना के दौरान whatever energy is released, that is resonance energy. हम resonance energy को ऐसे भी देख सकते हैं, it's bond energy of this bond. हम कहते हैं बेंजीन का एग्जैक्टली वाकई में जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरह से डिनोट करा जाता है, एंड दिस इज दिस जो रिंग के बीच में हमने सर्कल बनाया है, दिस डिनोट्स द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस डिनोट्स कि बेंजीन में जो छह पाई इलेक्ट्रॉन है वह बेंजीन रिंग के बीच में इस तरह से फैल गए हैं, and resonance energy is the bond energy of this bond. Resonance energy
is termed as bond energy of this bond. ये जो बॉन्ड बनाए इसकी बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ेगी, यदि हमें बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो हमें वहां पर रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ेगी. This is resonance energy. Generally, resonance energy पर जब भी problem आएगा तो चर्चा benzene की ही होएगी. Although resonance तो कई तरह के compounds में होता है, आगे जाकर आप जब organic बहुत detail में पढ़ोगे तो वहां पर resonance phenomena को ही बड़े detail में पढ़ोगे, मगर thermochemistry में यदि resonance energy पर कोई problem आता है तो वह referring to benzene he hoga. Once again, resonance phenomena is not associated only with benzene. Ye kai sare compounds ke saath mein, magar problem benzene par aata hai. This is resonance and resonance energy. Main isi samay ise aur bhi samjhane ke liye ek chhota sa situation, ek chhota sa article deta hu. प्रॉब्लम करने के लिए देता हूं, उसको आप करो. लेट मी राइट अ रिएक्शन. सिक्स कार्बन्स इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट, थ्री हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, गिविंग यू C6H6 इन लिक्विड स्टेट. Observe this reaction carefully. Now tell me, this reaction ko aap kya kahoge? What will call this reaction as? This reaction ko aap kahoge kya? This reaction would be called formation of benzene. Formation of benzene. Formation of benzene kyun bol raha hu? Because during this reaction a mole of benzene is being formed. This is a mole of benzene, liquid state, and it's formed from its pure and stable elements. Six carbon in solid and graphite state, it's pure and stable. Three hydrogen in molecular state, this is pure and stable. This is formation reaction of benzene, and enthalpy of this reaction would be called enthalpy of formation of benzene. मुझे अब एक बात और बताओ, यह enthalpy of formation of benzene यह positive value होगी या negative value होगी? It would be definitely a negative value because benzene is a very stable molecule. It's a very stable compound, and formation of a stable compound is always an exothermic phenomena. Heat is always liberated when a stable compound is formed. जब एक stable compound बनता है तो heat liberate होती है. Benzene का enthalpy of formation भी negative होना चाहिए. मेरा जो सवाल है, कैन यू राइट एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी? राइट एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी.
मैं कंसेप्ट बता दूं, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज रिटन एज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इट्स ऑलमोस्ट लास्ट आर्टिकल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री का फिर दूसरा भाग चालू होगा. मैं इस प्रॉब्लम को समझाता हूं. लाइक अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इज अ मेन चैलेंज. सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी है कि मैंने दिया क्या है और पूछा क्या है. ऑल्दो जो मैंने आपको दिया है इसके पहले के लेक्चर्स में मैं करवा चुका हूं. जब मैंने बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट समझाया था तो एक रिएक्शन लिखी थी H2+Cl2 गिव यू 2HCl. और फिर मैंने कहा था कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे. फिर मैंने एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जब समझाया, देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जब मैं समझा रहा था तो उस समय भी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी H2+ ½O2 गिव यू H2O. मैंने कहा था इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और वहां मैंने लिखना सिखाया. फिर मैंने एक और बात यही चीज पूछी. मैं जब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन समझा रहा था, फिर जस्ट टर्न करके देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जब समझा रहा था, फिर मैंने एक और रिएक्शन दी और पूछा C+O2 गिव यू CO2. इस रिएक्शन की एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखिए. हर बार मैंने इस कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करा, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. इसको लिखने का तरीका बताया और इसको लिखते समय बॉन्ड एनर्जीज कैसे देखा जाना, यह बात समझाई. मैं दोबारा इस प्रॉब्लम के माध्यम से उसी कंसेप्ट को समझाता हूं. ऑल्दो इधर काफी सारी बातें हमें सोचना होगी. सबसे पहली बात, इस रिएक्शन की एंथैल्पी जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कह रहे हैं, दिस इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन. सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या ग्रेफाइट के पास कोई बॉन्ड एनर्जी है? 6 carbon इन सॉलिड स्टेट एंड ग्रेफाइट स्टेट, क्या 6C इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट, क्या इसके पास कोई बॉन्ड एनर्जी है? क्या इसमें कोई बॉन्ड है, हाँ या ना? आप एक बात सोचिए कौस्तव, आपने नो नो ना कहा है, जरा ध्यान से सोचिए. क्या कार्बन जब सॉलिड और ग्रेफाइट स्टेट में है तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है? अभी आप ना कह रहे थे. हम कहते हैं जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. यहां पर हर एक कार्बन 3 carbon के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह सॉलिड स्टेट में है. इधर ढेर सारे बॉन्ड हैं और उन ढेर सारे बॉन्ड की ढेर सारी बॉन्ड एनर्जी है. क्या अब आप मुझे बताएंगे 6 carbon इन सॉलिड स्टेट इन ग्रेफाइट स्टेट, यदि इसमें बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की एनर्जी क्या है? देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को बड़े ध्यान से, एक और बार रिवाइज कीजिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में हमने यही तो बताया था कि जब हम सॉलिड ग्रेफाइट को सब्लिमेट करते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट को गैस में कन्वर्ट करते हैं,
इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं. इट्स इनफैक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट. यह ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी है. इसे ग्रेफाइट की बॉन्ड एनर्जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सब्लिमेशन फिनोमेना के दौरान सभी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है और सभी कार्बन को अलग कर दिया जा रहा है, आइसोलेट कर दिया जा रहा है. तो इस रिएक्शन में जब हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ रही है उसी को तो हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. सब्लिमेशन इज इन फैक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट. सिक्स कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट, इसके पास जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज सिक्स टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट. This is bond energy of 6 carbon in solid and graphite state. अब 3s2, इसके पास कितनी bond energy है? इधर HH bond है, it's 3 times bond energy of HH bond. Now this is summation of bond energy of reactant. Minus अब मैं लिखूंगा summation of bond energy of product. अब मैं लिखूंगा summation of bond energy of product. देखिए प्रोडक्ट में बेंजीन, अब जरा सोचिए बेंजीन में कौन कौन से बॉन्ड है. सबसे पहले छह कार्बन छह हाइड्रोजन से जुड़े हुए, सिक्स टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में छह जगह पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ. फिर अल्टरनेट तरीके से तीन जगह पर सी सिंगल बॉन्ड सी है, प्लस थ्री टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी. और तीन जगह पर C डबल बॉन्ड C है, थ्री टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C. क्या यहां तक खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ है. बेंजीन इस तरह से रहता कहां है? इस जगह पर यहां तीन पाई बॉन्ड इस तरह से आपस में जुड़कर एक और बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, जो अभी अभी हमने समझाया. इसकी एनर्जी जो है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी. ये जो बेंजीन का बॉन्ड बना दिस इज रेजोनेंस एनर्जी. क्या बेंजीन की सारी बॉन्ड एनर्जी आ गई? अभी भी नहीं आई है, अभी भी एक एनर्जी मिसिंग है. कौन सी? ये बेंजीन लिक्विड स्टेट में है ना, अभी जो बेंजीन बना है ये तो गैसियस स्टेट में.
आइसोलेटेड स्टेट में है। अब ऐसे ढेर सारे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आकर आपस में एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग बना लेते हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इस तरह से हर एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल दूसरे बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ एक वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में है और उस बॉन्ड की भी एनर्जी है, और उस बॉन्ड की एनर्जी को हमने कहा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन। यह सारी बॉन्ड एनर्जी है। कोई सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में होने की वजह से भी कुछ बॉन्ड एनर्जी है, यह गैसियस स्टेट में है तो इधर तो सिर्फ बॉन्ड एनर्जी सीधी सीधी दिख रही है, जबकि ये जो बेंजीन लिक्विड स्टेट में है इसमें देखिए 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड, 3 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड तो सभी को दिखते हैं, रेजोनेंस कंसेप्ट जिसने समझ रखा है उसको एक रेजोनेंस की वजह से बना हुआ बॉन्ड दिखेगा, और जो इस बात को समझ जाएगा कि ये बेंजीन लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में यदि है तो एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के साथ भी बॉन्ड बना के रह रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इस तरीके से हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में और ऐसे लिखेंगे। Now, that's all regarding the first part of this chapter, thermochemistry. इसी के साथ thermochemistry का यह पहला भाग जो था इसमें concept portion यह समाप्त हुआ। ध्यान रहे मैंने problems solve नहीं करवाए हैं, मगर problem को solve करने के लिए apply होने वाले सारे सारे concept बड़े elaborate में class में बताए। Now, based on all this concept and fundamentals, based on all this theory, you should start solving the study package. आपको study package को thoroughly solve करने लगना चाहिए। Today is Monday. मैं आपको 6 दिन का समय दे देता हूं। जितना उस package पर attempt लगा सकते हो लगा लो। On Sunday morning 9:30 AM, we'll discuss that package. We'll discuss your doubts. आप उसमें जो problem for practice part है उसको अटेम्प्ट लगाओ। ध्यान रहे यदि इन प्रॉब्लम्स को करने में आपको पहली बार में तकलीफ आ रही है, आपको जो स्मूथनेस है वो नहीं बन पा रही है, जो फ्लो है वह नहीं बन पा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल रुक जाने के बजाय, थमने के बजाय, बेटर रेफर अ बुक। आप कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा लो, आइदर कॉम्प्रहेंसिव और मॉडर्न एबीसी और प्रदीप, जो बुक आपको ठीक लगती है वह बुक उठा लो और उस बुक में से कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कर लो। आप 7-8 प्रॉब्लम्स, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जब देख लोगे तो आपकी स्टडी पैकेज के साथ में स्मूथनेस बन जाएगी, फिर आपसे प्रॉब्लम्स बनने लगेंगे। मगर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत करे आप इस तरह के पैकेज के प्रॉब्लम्स को एकदम से सॉल्व करने लगे इतना आसान नहीं है। आप पुट योर एफर्ट्स, हार मत मानो। आपको जब पैकेज करोगे तो आई एम श्योर आप एकदम से स्मूथली तो प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट दैट इजी पैकेज। आप पहले रेफरेंस बुक से 8-10-12 सवाल सॉल्व प्रॉब्लम कर लो, फिर उसके बाद में उस पैकेज को करना चालू करो। 6 दिन तक आपने पूरे एफर्ट्स लगाओ। संडे 9:30 AM आई विल डिस्कस योर डाउट्स। आप जो जो प्रॉब्लम्स कहोगे मैं उन प्रॉब्लम्स को पढ़ना सिखाऊंगा, किस तरह से डेटा को समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से कंसेप्ट और फंडामेंटल डेवलप करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं और फाइनली किस तरह से आंसर को कंक्लूड करते हैं। और फाइनली इट्स नॉट ओनली सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट एक्सट्रैक्टिंग
practical and practical approach and the day-to-day life में हम उनको कैसे apply करते हैं. See, this chapter is completely a very much practical chapter which we apply in our day-to-day life. खाना बनाते समय, रसोई में गैस जलाते समय, सांस लेते समय, during our metabolic process, भोजन करते समय, glucose की bottle चलाते समय, alcohol consume करते समय, हर तरह के जो process हमारे day-to-day life में आसपास जो चल रहे हैं, उन्हीं से related यह chapter है, उन्हीं से related numerical problems आप study package में देख रहे हो. It's not simply solving them, it's not simply getting the answer, it's understanding their application in our day-to-day life. मैं ultimately उन चीजों को समझाऊंगा और अपने efforts सारे लगा लो. Anyway, यह काम तो मैं संडे को कर रहा हूं, परसों मैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियन, वह सब चीज समझाना चालू करूंगा. आज के दिन इतना ही. गुड बाय, गुड नाइट.